हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द द्विवेदी फैमिली में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पकोड़े वाली टेस्टी कड़ी की रेसिपी। कड़ी तो मोस्टली सभी को पसंद होती है, तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल आसान तरीके से पकोड़े वाली कड़ी बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें हम दही यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे घर का बनाया हुआ दही है और ये 2-3 दिन पुराना दही है। पुराना दही इसलिए फ्रेंड क्योंकि उसमें खटास होती है, तो आप कोशिश करिएगा कि कड़ी बनाने के लिए आप पुराना दही यूज़ करें ताजे के बजाय। अब इसमें मैं 2 चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन की मात्रा एकदम से ज़्यादा ना करिएगा फ्रेंड, नहीं तो हमारी कड़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी बन जाएगी। अब इसमें 1/4 स्पून मैंने हल्दी यूज़ किया है, साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब लास्ट में हम इसमें 1/2 स्पून धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इस सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्प्स ना रहें। एक इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे और जब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद हमने इसमें वाटर ऐड करना है। तो वाटर के लिए फ्रेंड जिस कटोरी से मैंने दही लिया था उसी कटोरी का नाप लेके मैं, आप देख ही रहोगे ये दही की कटोरी है, उससे 2 कटोरी इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो कढ़ी बनाने के लिए दही की जगह छाछ का भी यूज़ कर सकते हैं, बट उस स्टेज में आपको पानी की मात्रा कम यूज़ करनी है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो कढ़ाई को चढ़ाएंगे गैस में और उसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल गर्म होने पर हम इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी दाना, साथ में मैं इसमें 1 चम्मच राई भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें साबुत धनिया भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें फ्रेश करी लीफ डाल देंगे। लास्ट में मैं इसमें अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से भून लेते हैं। फ्रेंड्स, तड़के में आप मेथी दाना ज़रूर से डालिएगा क्योंकि ये कड़ी का स्वाद बहुत बढ़ाता है। उसके बाद हम जो हमने अपना पेस्ट रेडी किया था उसे हम इसमें डाल देंगे और हाई फ्लेम में जब तक हमारी कड़ी में एक उबाल ना आए तब तक कड़ी को रेगुलरली चलाते रहेंगे। कड़ी को रेगुलरली फ्रेंड्स इसलिए चलाना है ताकि इसमें लम्प्स ना पड़े। अगर आप छोड़ देंगे तो हमारी कड़ी फट जाएगी और लम्प्स भी पड़ जाएंगे। तो देखिए मेरी कड़ी में एक उबाल आ गया है और आप देख रहे होंगे कि कड़ी हमारी गाढ़ी हो गई है। मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ कि देखिए कड़ी गाढ़ी हो गई है। अब इस स्टेज में हम गैस का फ्लेम कर देंगे लो और कड़ी को पकने देंगे। तो चलिए तब तक हम पकौड़े की तैयारी करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने सबसे पहले एक बाउल लिया है और उसमें मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। पकोड़ी तो आप आलू, प्याज, हरे पत्ते किसी की भी बना सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ बेसन की पकोड़ी बना रही हूँ। अब उसमें मैं थोड़ा सा अजवाइन डाल देती हूँ, साथ में चॉप किया हुआ धनिया और उसके बाद मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, वो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, आप चाहें तो लाल मिर्ची पाउडर की जगह आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। और लास्ट में हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आपको जिस चीज़ के पकोड़े पसंद है आप उस चीज़ के पकोड़े इसमें बना सकते हैं। अब मैं बेसन में करूँगी वाटर ऐड और उसे अच्छे से मिक्स करूँगी और एक अच्छा सा पेस्ट रेडी करूँगी। तो इसमें थोड़ा पानी और डाल देते हैं। अब बेसन चेक करने की एक ट्रिक बताती हूँ फ्रेंड, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका बेसन पकौड़ी बनाने के लिए परफेक्ट रेडी है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्पून में थोड़ा सा बेसन लेंगे और 1 कटोरी पानी में उसे इस तरीके से डीप करेंगे। अगर आपका बेसन पानी में मिक्स नहीं होता है तो यानी आपका बेसन रेडी है। इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होगा कि हमारे पकौड़े फूले फूले बनेंगे। तो चलिए पकौड़ों को तलना शुरू करते हैं। तेल गर्म है, एक एक करके इसमें पकौड़े डालते हैं। आप एक बार इस तरीके से पकोड़ों के लिए बेसन रेडी ज़रूर करिएगा। उसमें हमें सोडा डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब मीडियम फ्लेम में आप अपने पकोड़े पकाइएगा ताकि हमारे पकोड़े अंदर से भी अच्छी तरीके से पक जाएं। हाई फ्लेम में अगर पकाएंगे तो वो बाहर से तो पक जाएंगे पर अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इस तरीके से इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा। तो लीजिए हमारे पकोड़े हो गए हैं रेडी, अब इन्हें निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ अपनी कड़ी चेक करते हैं तो आप देखेंगे हमारी कड़ी भी अच्छे से रेडी हो चुकी है। गैस का फ्लेम बंद करते हैं और इसमें डालते हैं पकोड़े। पकोड़े कड़ी पकने के बाद ही उसमें ऐड करिएगा फ्रेंड, वरना हमारे पकोड़े हार्ड हो जाएंगे अगर हम कड़ी के साथ पकोड़े पकाएंगे तो।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली मेम्बर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो लीजिए, कड़ी हो गई रेडी, अब है तड़के की बारी। तो तड़के पैन में हम सबसे पहले घी डालेंगे। घी गर्म होने के बाद मैं फ्रेंड्स इसमें लहसुन डाल रही हूँ, तो अगर आपके पास लहसुन की कलियाँ हो तो उसी को छोटा छोटा चॉप करके डालिएगा, इससे कड़ी का फ्लेवर बहुत बढ़ जाएगा। साथ में हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे और साथ में हींग डालेंगे, उसके बाद लाल साबुत मिर्चियाँ और लास्ट में हम डाल देंगे हाफ स्पून रेड चिली पाउडर। अब इसे थोड़ा सा भून लेते हैं और उसके बाद इसे हम तुरंत डालेंगे अपनी कड़ी में। तो लीजिए, हमारी कड़ी बनके रेडी हो गई है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। अब हम इसे हरे धनिए से गार्निश कर देते हैं और साथ में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखने से ही हमारी कड़ी बहुत टेस्टी लग रही है और यकीन मानिए, आप एक बार इस कड़ी रेसिपी को ट्राई करिए, आपको ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। आप लोग भी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।